एक स्टूडेंट है, मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक सेल है और ये प्लस माइनस इसका रेजिस्टेंस आर है, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कुछ मान लो ये, तो ये प्लस माइनस ईएमएफ ई है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल चार्ज होता है, ठीक है, सब सेल करंट आई दे रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वी ए। और ई एम एफ ई, जब वी की वैल्यू जीरो होती है तो जब वी जब ए जब करंट जीरो होता है तो वी और ई आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल यानी फंक्शन ऑफ करंट आई थ्रू, अब इससे करंट आई होता, तो अगर चार्जिंग हो रहा है तो चार्जिंग के केस में आप देखोगे ये चार्जिंग हो रहा है, तो चार्जिंग के केस में वी और ई में एक रिलेशन है, तो वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, ठीक है। हमेशा याद रखना चार्ज, जब चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल जो ई एम एफ है ई करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, चार्जिंग के केस में ई एम एफ इज लेस देन वी, ठीक है, ई एम एफ इज लेस देन वी होता है, ठीक है। चलो तो वी की वैल्यू, हाँ तो ये वाली चीज हमको आती है, और ये तो इसके बीच जो करंट फ्लो हो रहा आई और आई और बेसिकली हमें आई और वी में एक रिलेशन निकालना है, एक ग्राफ बनाना है बच्चों। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि ईएमएफ और ईएमएफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस करंट आई और प्लस ईएमएफ ई, ऐसे। तो अगर ये इस इक्वेशन को देखोगे तो ये वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होता है, इधर y बनाते थे इधर x बनाते थे, और अगर इधर y है अपना और इधर x है तो इन स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसी स्ट्रेट लाइन आती थी। तो अगर इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, तो इधर मैं करंट आई बना दिया और इधर मैं पोटेंशियल वी बना दिया, ठीक है, दिस इज द करंट आई। तो अगर करंट आई इधर मैं बनाया, अब देखो इसका जो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव, ये वाली जो चीज़ है वो इंटरसेप्ट ई है, ठीक है। जब करंट की वैल्यू जीरो है, देख रहे हो यहाँ पे, जब करंट की वैल्यू जीरो है तो उस समय करंट की वैल्यू अगर जीरो है इस पॉइंट पे, तो वी और ई आपस में इक्वल है। अब इस पॉइंट पर देखोगे ये एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर बेसिकली करंट की वी की वैल्यू जीरो है, तो अगर वी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर वी की वैल्यू जीरो रखोगे तो वी जीरो है, तो जो करंट आई की वैल्यू है वो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि वी जीरो ई एम एफ ई अपान वी, अगर जीरो हो गया तो ई एम एफ ई अपान स्मॉल आर, दैट इज मैक्सिमम करंट, ये इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पूछ रहा है ये। और इसका जो स्लोप है थीटा, वो हम निकाल सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, दिस इज बेसिकली द स्लोप, ये वाली आर जो है स्लोप टेन थीटा, और ई एम एफ ई ओवर दिस आई, ठीक है, तो ई एम एफ ई ओवर आई, और ई एम एफ ई ओवर आई दैट इज द रेजिस्टेंस आर, जो निगेटिव स्लोप है ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो चीज है, ये जो आर है दैट इज स्लोप है, एम क्या है यहाँ पर, स्लोप है निगेटिव, तो स्लोप ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप निगेटिव आ जाएगा, तो ये बच्चों निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ई माइनस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, जो स्लोप वी एंड आई रिस्पेक्टिवली, द स्लोप जो है वो माइनस आर होगा और इंटरसेप्ट मतलब ए ऑप्शन सही है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।